आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज हरियाणा पोल खोल न्यूज से आज आपको एक खबर दे रहा हूँ कि हम पहुँचे हैं मेहंदा में। हम जा रहे थे आगे तो हमने देखा कि यहाँ स्कूल है, अमर ज्योति पब्लिक स्कूल मेहंदा में। तो हम रुके हैं, यहाँ कुछ चल रहा है, भीतर क्या चल रहा है वो देखेंगे। बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चे कुछ मेरिट आए हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साह है बच्चों में, उसको लेकर देखेंगे स्कूल में क्या व्यवस्था चल रही है, किस प्रकार क्या कार्यक्रम चल रहा है। हम दिखा रहे हैं आपको, हम पहुंचे हैं स्कूल के अंदर, जो दसवीं कक्षा के जो परीक्षा परिणाम आया है और काफ़ी शानदार रहा है। इस स्कूल में बताया जा रहा है कि पहले भी जो रिजल्ट आता है बहुत शानदार आता है, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया है बहुत बढ़िया आया है और 90% से अबव इन्हीं ऊपर बच्चे ले रहे हैं जो कि मेरिट में आए हैं। और बच्चे देखिए किस प्रकार खुशी से यहाँ बैठे हैं और खुद समझ आ गए हैं। प्रिंसिपल है दिनेश कौशिक, वो उनको फूलों की मालाओं से स्वागत कर रहे हैं और हम बच्चों से भी जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने मेहनत की है, या ट्यूशन से पढ़कर पास हुए हैं या मेरिट में आए हैं या कहीं ना कहीं इन्होंने ट्यूशन लगाई थी, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? ममता सर। तो कितने परसेंट नंबर आए आपके? 91.2 सर। तो कितने दिन आपने ट्यूशन पढ़ी है? सर मैंने ट्यूशन नहीं किया, सिर्फ स्कूल में ही किया था, एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी और सब यहीं पर स्टडी किया था सर। तो आपको कौन पढ़ाता था? हमें हमारे टीचर से पढ़ाते थे सर। तो आप खुश हो इतने नंबर आ गए? यस सर। तो मेरिट क्यों नहीं आई आपकी पूरे रहने में? मेहनत कम की थी? नो सर, बहुत ज़्यादा की थी मेहनत। तो चलो फिर आगे जो प्लस टू के पेपर होंगे तो उसमें आप चाहोगे कि मेरिट आए मेरी हरियाणा में? यस सर। हाँ जी गुड़िया, आपका क्या नाम है? नैन्सी। अच्छा, कितने परसेंट नंबर आए आपके? 91.8। तो ये आपने किस प्रकार मेहनत की? हमारे टीचर्स ने हमारे साथ में मिलकर मेहनत की है। तो आपको लगता नहीं कि मैम इस स्कूल में जो टीचर से पढ़ते थे आपको पता था कि वे इतने परसेंट नंबर आ जाएंगे? शायद हमारे टीचर मेहनत ऐसे करवाते थे। तो आप ये पढ़ते पढ़ते हो खेल कूद कार्यक्रम? नहीं बस। तुम बस पढ़ते पढ़ते हो, तो आगे क्या बनना चाहते हो बड़े हो गए? जज। जज? जज बनकर किसकी कार्रवाई करोगे? वो तो जो होगा। हाँ छोटू, क्या नाम है अपना भाई? मेरा नाम दीपक है सर। तो कितने परसेंट नंबर आए आपके? 92.8% नंबर है सर। तो कहाँ पढ़ते थे? मैं अमर ज्योति पब्लिक स्कूल में ना यहाँ पर पढ़ता हूँ सर। तो आपने जो पढ़े हो इतने नंबर लेके गए हो, मेरिट में आए हो, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कि आप अच्छे अंक लेना चाहते थे और भी आगे ले सकते थे? यस सर, वो तो मैं सोचता था सर बढ़िया नंबर आ जाए। फिर अभी इनमें भी सर पूरी खुशी, हमारे जो स्कूल का स्टाफ है, हमारे प्रधानाचार्य सर दिनेश सर जी ने भी बहुत मेहनत करी है हमसे, हम तो सोचते हैं हमसे ज़्यादा मेहनत करी इन्होंने। तो आप पढ़ाई करते हो कि खेल कूद में भाग भूल हो? यस सर, मैं खेलता भी सर। खेलते भी हो? यस सर। तो आगे बढ़ के पढ़े लिख कर क्या बनना चाहते हो? मैं सर एयरफोर्स में सिलेक्शन चाहता हूँ सर। तो जहाज उड़ाओगे? यस सर। हाँ जी, अपना क्या नाम है? शुभम सर। तो कितने परसेंट नंबर आए आपके? मैं 90.2। तो कौन से गांव में रहते हो? मैं मेहंदा। कहने की गांव में भी इतने परसेंट नंबर लेके लोग पास होने लगे? यस सर। गांव। तो आगे क्या बनना चाहते हो? एयरफोर्स में सिलेक्शन सर। सुमित सर। तो कितने परसेंट नंबर आए? 90.4। तो आपको मैडम पढ़ाती है, मास्टर पढ़ाता है? सर मैडम और मास्टर सब पढ़ाते हैं सर। तो ये निकल निकल मारी थी वैसे पास नंबर लिए? नो सर, इसमें अध्यापकों की मेहनत भी रही है सर पूरे। कई बात नहीं, निकल निकल मारे गम गुम हो, चलो भाई कोई दिक्कत ना है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं। निकल मारते नहीं बिल्कुल भी? नो सर। तो आगे बढ़ के क्या पढ़ना बनना चाहते हो? नेवी में। हैं? नेवी में। नेवी में? तो देखिएगा किस प्रकार बच्चे हैं, कोई नेवी में बनना चाहता है, कोई और फेस में जाना चाहता है, और एक गुड़िया तो खैर जज बनना चाहती है, किसी की कार्रवाई करेगी तो उसमें बताएगा कि बच्चे का भविष्य कहाँ तक पहुँचता है और ये आगे क्या बन सकते हैं। हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं, लेकिन कुछ यहाँ भी बैठे हैं, इनसे भी थोड़ा। हाँ जी, आपका क्या नाम है? गुड़िया। मीनाक्षी। तो कितने परसेंट नंबर आए? 83.4। तो फिर इसने मार्क्स की बैठी है। और आगे क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर? तो गरीबों के राज करोगे? यस सर। अब जी हाँ सर। तो कितने परसेंट नंबर आया आपने? 83.2। तो ये मास्टर ने पढ़ाया नकल मार के पास की? नो सर, टीचर्स ने पढ़ाया है। टीचर पढ़ाया है? पक्का है? कहीं भाई तुम है नकल नकल मार ले नंबर ले जाए? नो सर। सागर। सागर। अंकित सर। अपना ओमबीर।
देखिए किस प्रकार बच्चों ने कहा, उत्साहपूर्वक कहा कि मेहनत से पास हुए। हमने तो ढूंढने की कोशिश भी की है, किसी ने नकल तो नहीं मारी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मेहनत से पास हुए, मास्टरों की मेहनत रंग लाई है। और कहीं ना कहीं कोई जज बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, ये यहाँ की बच्चों के मुँह से हमने सुनने को मिला है। यहाँ के प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर आपका क्या नाम है जी? सुरेंद्र कुमार जी। तो आप क्या काम करते हैं? या इंग्लिश टीचर हो? इंग्लिश टीचर। तो आपको क्या लगता है बच्चे ने इतने फेमस करके पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े हैं, ये मैट में आए हैं? बिल्कुल जी, अपनी मेहनत से आए हैं और बहुत मेहनत की है। जैसा स्टाफ ने इनको आगे के लिए गाइड किया उसी प्रकार से। गांव में कोई सेंटर नहीं था जी, डाणाकला सेंटर था हमारा वहाँ पर, और पूरी तरह से इस बार इतनी मुस्तैदी से पेपर हुए वहाँ पर कि एग्जाम सेंटर के अंदर आसपास भी किसी को जाने नहीं दिया गया। तो बिल्कुल मेहनत कर फेयरली और अपनी मेहनत से सभी बच्चों ने इस मुकाम को हासिल किया है। बहुत धन्यवाद। तो दिनेश जी भी नजर आ रहे हैं हमारे पास है, दिनेश जी से बातचीत करेंगे। हाजी सर, बढ़िया मेहनत रंग लाई है आपकी, कहीं ना कहीं आपका स्कूल का नाम अच्छा रोशन हुआ है गांव में, ये पहली बार देखने को मिला है। हम जा रहे थे, हमने देखा है कि कुछ न कुछ चल रहा है, और मास्टर जी से बातचीत करें, आप बताइएगा कैसे लग रहा है। ललित जी, सबसे पहले तो हरियाणा पोल खोल न्यूज़ का हमारे स्कूल में आने पर स्वागत है, और आपके दर्शकों का हमें बड़ी खुशी होती है कि आप एक स्टिक अच्छी खबर देते हैं, और ग्रामीण परिवेश में आकर के आप चुनते रहते हैं कि कहाँ कहाँ अच्छा ही है। जब आपने सोशल मीडिया पर हमारा रिजल्ट देखा तो आपने हमारा स्कूल याद आया, और स्कूल में बच्चों को हम पूछताछ करने के लिए आए। दो मिनट आप ऑफिस में आइए और मैं थोड़ी चर्चा साथ साथ आपको बताऊँगा। जी, हमारे स्कूल के बारे में बताऊँ कि हमारा स्कूल में एक नॉर्मल फीस ली जाती है, और हमारा स्कूल इस बात के लिए विख्यात हो चुका है कि यदि मेरिट में आना है आसपास के गांव में एक नॉर्मल फीस में, तो लोगों की धारणा हो गई है कि आप अमरज्योति स्कूल में जाइए और बच्चों को वहां दाखिल करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट। आपको बताऊं कि इस वर्ष जो हमारा परीक्षा परिणाम है बड़ा ही शानदार रहा है, 90% से अब वो हमारे स्कूल के 5 बच्चे रहे हैं, और 50% बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार पिछले सत्र भी जो हमारा टॉप बच्चा था 90.4% घड़ी का बच्चा रहा था कुलदीप, और 15 बच्चों ने पिछले साल भी मेरिट में स्थान प्राप्त किया था। और उससे पहले भी जब 2004-05 में हमने स्कूल की शुरुआत की, तो उससे पहले गांव में सिर्फ एक या दो मेरिट देखने के, तो हमने देख किया कि ग्रामीण बच्चों को आगे लेके जाना है, चाहे खेल का क्षेत्र है चाहे पढ़ाई का क्षेत्र है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में तो हमने इतना नाम कमा लिया है कि पहली बार ही 2005-06 में हमने गांव को 4 मेरिटें सौंप दी थी, उसके बाद दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, कभी 8, और अब तो एक ऐसा टाइम आ गया है कि हमारे बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि कभी 1/3 तो कभी आधे बच्चे मेरिट में आते हैं। और मेरिट में के लिए हमारा स्कूल विख्यात है, हमारा स्टाफ बहुत मेहनती है। क्योंकि गांव में हमें सुनने को मिला है कि पहले कभी भी कोई बच्चा इतना मेरिट में आता नहीं था, एकदम ऐसे क्या चमत्कार हुआ कि अमरज्योति स्कूल ने यहाँ की नाम रोशन कर दिया? सर, मेहनत ही कामयाब बुलाती है। तो हमने जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, एक्स्ट्रा हम 4-4, 5-5 घंटे तक एक्स्ट्रा पढ़ाया हमने बच्चों को, और वही मेहनत हमारी रंग लाई है। पहले तो गांव के बच्चे शहर में पढ़ने के लिए जाते थे, मेरिट लेके आए हम अच्छे नंबर से पास हुए, और कहीं तो नकल भी मारे करते, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप वर्गीय जो संस्था खुली है गांव में, उससे कहीं बच्चे यहीं कहीं यहीं रुक गए हैं। हाँ सर, बच्चे बाहर जाने के बजाय अब यहीं रहना यहीं पढ़ना पसंद करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्कूल का एक छात्र MBBS कर रहा है, और हमारे बच्चों के अंदर डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की काफ़ी इच्छा रहती है। पिछली बार विनोद बिहाना जी भी चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, उन्होंने भी देखा तो वो भी बहुत प्रभावित हुए। वो बोले, सर दिनेश जी आपने तो कमाल कर रखा है कि एक नॉर्मल फीस में ऐसा वातावरण दे रखा है आपने, और बच्चों सबका रुझान इतने मिलनसार और सब ऐसा देखने को आता है, तो सभी पढ़ने के लिए जिन बच्चों की यही थ्योरी रहती है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही रुकते हैं हमारे पास, यहाँ मेहनत करना होता है। गांव के बच्चे शहर में पढ़ने जाते हैं? सर शहर में तो कम ही जाते हैं, ज्यादा नहीं जाते अब, पहले ज्यादा जाते थे, पहले ज्यादा जाते थे, अब तो आसपास के गांव के बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। गांव के बच्चे आपके उत्तर पढ़ने के लिए आए? मेंदा से, मेंदा ढाणी, गढ़ी, जितपुरा, खरकड़ा, यहाँ के बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। देखिए काफी स्कूल यहाँ खुले भी हैं आसपास, लेकिन नहीं चल पाए, कारण कुछ भी हो सकता है उनका, लेकिन आपने तो इतना कर दिया संस्था को आगे डेवलपमेंट करते जाने लग रहे हो। ये भी चर्चा है कि आपका स्कूल है प्लस टू तक भी बढ़ने की तैयारी में आ गए? हाँ सर, हमने प्लस टू की परमिशन ले ली है, और आगे हम रूम बना के आगे क्लासेज शायद शुरू करेंगे। अभी इस सत्र से करने का कोई इरादा नहीं है, आगे करेंगे तब बता देंगे। तो कहीं ना कहीं आप इसको शिक्षा का हब बनाने जा रहे हो आप? हाँ, शिक्षा का हब बनने वाला है सर। सर हम
एक बार डॉक्टर विजय जायसवाल आए थे, हमारे मित्र हैं, तो उनका भी ये सपना था कि दिनेश जी एक ऐसा अपने मुकाम तैयार करना है कि यहाँ से डॉक्टर और इंजीनियर निकले। मैंने सर कहा सर ऐसा ही करेंगे, तो यही कारण है कि हमारे स्कूल में मेरिट ज़्यादा आती हैं। और कितनी मेरिट आई, कितने परसेंट बच्चों की मेरिट आई, सिर्फ हमसे मेरिट पूछी जाती है और मेरिट के मामले में हमारा स्कूल सबसे आगे है। सर हमारी शुभकामनाएं, हरियाणा पोल खोल न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप शिक्षा का हब बनाएं इसको, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी जब भी कोई आपका समारोह होगा हम मौके पर जरूर पहुंचेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भी हम धन्यवाद हैं कि आपने। कौन है ये? ये अपने मिसेज है जी, सरिता। हाँ ये पढ़ाती भी है और स्कूल को संभालती भी है, अच्छी देख रेख रखती है स्कूल में। नहीं नहीं, डिसिप्लिन अच्छा रखती है, स्टाफ साथ को भी अच्छा। मैडम आपका क्या नाम है जी? सरिता जी। सरिता सर तो वैसे ही आप कर जो रहे हैं सुबह तो नहीं पढ़ाती हूँ संस्कृत। कौन सी क्लास का जी? 6, 7, 8 तो संस्कृत। तो कहने की आप देख रहे होगी आपकी संस्था का नाम ऊंचा होते जाने लग रहा है, बढ़ती जाने लग रही है, तो खुशी नहीं है? बहुत खुशी है जी, हमारा नाम स्कूल का नाम रोशन होने लग रहा है और हमारी मेहनत के बल पे काम हो रहे हैं। देखिएगा ये थे स्कूल में, प्रिंसिपल से बातचीत की गई है और उनकी मिसेज से बातचीत की गई है, स्टाफ से बातचीत की गई है, बच्चों से बातचीत की गई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस संस्था को एक शिक्षा का हब बना जाएगा और यह संस्था आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं गांव और आसपास के गांव उसमें एक मुख्य संस्था के रूप में उभर के आने वाली है। कहीं इनका सपना साकार होने जा रहा है ये हमें देखने को मिला है, और इनकी इनके जो दिल में जज्बा भरा हुआ है एक हब की तैयारी की जा रही है, शिक्षा का हब की, इसको लेकर हमने चर्चा की है जो हमें देखने को मिला है। शायद ये हो सकता है, इनके सपने साकार हो सकते हैं। गाँव मेंढा से हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज की अमर ज्योति स्कूल से विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट